हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। ये देखिए मेरी रिद्धि सिद्धि दोनों सुबह सुबह नीचे चली गई है। पानी वाले भैया आए हैं, पानी दे रहे हैं। ये लोग ले रही है, क्या कर रही है। हर काम में इन लोगों को ये करना है ना, हर काम में हाथ बटाना है। तो पानी डाल रहे हैं तो रिद्धि पकड़ के जा खड़ी है। अभी घर से बदमाशी करके गई है ये लोग। वही आटा सब आटा आया था राशन में, माठ पूरा डाल रही थी, डब्बा सब में पूरा छीट छाट के फैला के गई है। तो फिर ये बदमाशी करने लगी ज़्यादा, तो माँ ये बोले उसके पापा कि ले जाते इन लोगों को नीचे। उपमा चढ़ाए हैं बच्चों का ही थोड़ा सा गैस पे, उसके बाद देखते हैं। कल तो आटा कोई जगह पे रखेंगे, इसका झाड़ झूड़ करेंगे जगह, फिर लक्ष्मण रेखा खींच के तब रखेंगे। इतना चीटी उटी आ जाता है, तो अभी वही सब हम कर लेते हैं। पूरा चौक घस के फिर ये कहीं रखे इसको, डब्बा सबको उपमा बना के खाली किए। दूध आ गया था तो दूध ही रख दिए गैस पे। फिर आलू चना उबाल के रखे हैं, सब्जी बनाएंगे। 8:30 हो गया है। आज सुबह सो के जो उठे तो थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, तो पानी हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हुई, मतलब थोड़ा सा हुआ है। जब तक चाय वाय पिए तब तक पानी छूट भी चुका था, पता नहीं कब से। हमको लगता है 5:30 बजे के बाद से हुआ होगा थोड़ा सा। और सिद्धि रानी घर भी आ गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो तो बेटा। हेलो बोलो तो। हेलो, हाय कर दो सबको, हाय हाय कर दो। कुछ नहीं करना है इसका, तो सर्दी मतलब के वजह से अच्छे खांसी उसी कफ उफ आ गया, तो इसको दवाई दे रहे हैं। वही शीतोपलादी देते हैं हम हनी के साथ मिला के। तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम थोड़ा थोड़ा चटा दे रहे हैं इसको। ज़्यादा नहीं है लेकिन है, फिर भी गर्मी अलग है। अभी दूध हो जाता तो पहले चाय बनाएंगे, चाय पी के माँ भी नहाने जाएगी, दोबारा ये भी पियेंगे, उसके बाद ही मतलब सब्जी उब्जी बनाएंगे हम। मुँह क्या देखते हैं, गलत बात बोलते हैं क्या? सिद्धि रो रही थी नीचे से आई, जो हम बोले इसको भूख लगा हुआ, इसको उपमा खिला देते हैं। इसके पापा है इन्हें कि दूध दे के सोने के लिए रो रही, दूध दे दो सुला दो। अब फिर ये दूध पी के सो जाती, सच में पेट भर जाता। तो उसके बाद फिर क्या होता, ये निकल जाते और इस चक्कर में ये भूखे रह जाती। फिर अभी थे तो गोद में लिए, फिर थोड़ा सा बोले उले, हम भी बोले नहीं खाएगी ये पहले, फिर खिलाए इसको। पापा गोद में लिए तो आसानी से खा लेती है, ऐसे अकेले हमसे बदमाशी करती है। और अभी तबीयत भी ठीक नहीं है और चिड़चिड़ करती है। सबको सर्दी खांसी जैसा, पता नहीं इतना गर्मी में कैसे हो गया है। सब्जी में अब तो झोर दे देंगे और रोटी बनाएंगे। मौसम ढका ढका हुआ है। रिद्धि को देखिए चलिए अब छोटी के घर से पुन्नी के घर। बाहर बाहर से ही वो उधर गई थी, वहाँ से वो लोग लेके चले गए। मेरा बच्चा कहाँ कहाँ घूम रहा है, हम यहाँ घर से देख रहे हैं खाली। और पुन्नी के घर गई वो, अभी छोटी के घर थी निधि दीदी के पास, वहाँ से अब गई। आज माँ भी अपना पूजा घर का झाड़ झूड़ ड्रावर सबको खाली करके अच्छे से सफाई कर रही है। एक तो रिद्धि इतना परेशान करके रखती है ना पूजा घर को, अस्थिर से रहने ही नहीं देती है। आज हम लोग सोच लिए हैं कि दोपहर में पूजा घर में ये कर देंगे, चेयर लगा देंगे यहाँ पे, ताकि वो उधर घुसने नहीं पाए। देखते हैं, नहीं तो फिर कुछ और घेरने का किया जाएगा उपाय, क्योंकि बहुत बदमाशी करती है पूजा घर के साथ आजकल, छेड़छाड़। अभी आई नहीं है वो भी। दीदी पापा तो खाना खा के निकले नाश्ता करके, हम भी जा रहे हैं थोड़ा बर्तन है धो लेते हैं। माँ नहा के आई है, अभी नाश्ता नहीं, मतलब अभी पूजा घर में समेट रही है तब तक मेरा, देख लेते हैं नहीं तो नाश्ता दे के तब जाएंगे नहाने। गंदा हो गया सब, एकदम से सब चीज़ ललक भागी जैसे पूजा घर और लगने से सो रही है। धूप तो हुआ, सुबह बारिश हुआ था, लेकिन थोड़ा रहम है धूप में, उतना तीखा उस तरह से नहीं है। गर्मी भी थोड़ा कम है, जा रहे हम भी थोड़ा लेट जाएंगे, उसके बाद चावल बनाएंगे लेट से ही। माँ तो बोल रहे हम भात खाएंगे भी नहीं, तो रोटी ही खाएंगी माँ तो हम, और ये खाएंगे, बच्चा लोग थोड़ा बहुत खाएगी। तो जा रहे हैं हम भी थोड़ा रेस्ट ले लें। देखिए 2:30 बज रहा है अभी, मेरे रिद्धू रानी सो के उठ चुकी है, अपना खिलौना सबसे खेल रही है कुछ कुछ लेके, और जगी है। सिद्धि तो 1:30 बजे से ही जगी है,
और हमको भी जगा दी है। हम और सिद्धि खेल रहे थे, मेरे पास ही बदमाशी कर रही थी। हाँ वहाँ पे दीवार नहीं खाना, ठीक है? नहीं खाना, हाँ दीवार नहीं ना खाएगी। नहीं खाना। क्या खा रही, दिखा दो तो। प्रसाद खा रही है। और रिद्धि तो खेल के खिलौना सब निकाली ड्रावर से, यहाँ पे इसी में रखते हैं इन लोगों का, कुछ कुछ जो भी रहता है खेलने का तो निकालती है, अपना गाड़ी पे सब लोड कर रही है, खेल रही है। वही इसके पापा भी नहीं आए हैं, आएंगे इसके बाद। चावल हम बना लिए थे उठ के। क्या बेटा, छुपा छुपी खेलती है? छुपम छुपाई सिद्धि, उसका खिलौना मत छीटना, वो सजाई है अपना। सिद्धि छीट देती है बेटू। रिद्धि छुपती है, सिद्धि उधर से आती है तो वहां पे छुपती है। और ये सब लाके अपना सजाई है इसको। खेलने दो उसको, छीटना उसका खिलौना तुम छीट मत देना रिद्धि। सिद्धि 4:15 सिद्धि तो लगता है सो जाएगी, क्योंकि ये जग भी गई थी 1 बजे से, और रिद्धि भी पड़ी भी है, पता नहीं सोएगी कि क्या करेगी। दोनों हम भी लेटे थे तो मेरे पास ही लेटी थी। इसके पापा भी नहीं आए, और आज तो बोल रहे हैं कि हो सकता है हमको ज़्यादा रात हो जाए, मतलब लेट हो जाएगा, 8:30 भी बज सकता है, और अगर हो गया तो हम 7 बजे तक भी आ जाएंगे। तो हमको तो टेंशन हो रहा है, शाम में इन लोगों को सो ही गई है। ऊपर से आज सारा सब्जी उब्जी भी ख़त्म था, लाना था शाम में। रिद्धि तो खैर पुन्नी के घर या छुट्टी के घर, उधर निधि के घर चली जाएगी, लेकिन सिद्धि को पापा ले रखते थे तो हम, या हम रखते थे तो लाते थे। अचार का मसाला सब भी आज मंगाना था अभी, तो अब तो आज वो भी मिल जाएगा। ये नमक हल्दी लगाए हैं, पानी तो अच्छा छोड़ा है, कल मसाला इसमें। आज ही सोचे थे मंगा के दे ही देंगे, लाए मतलब अब क्या आ पाएगा जैसा ये बता रहे हैं, तो अब तो ये खाना खाने भी नहीं आ पाएंगे। ये देखिए हम लोग पूजा घर को घेर दिए हैं रिद्धि सिद्धि के डर से। लोग इतना आतंक मचा दी थी ना पूजा घर में ऐसे करके, ताकि इधर जा ही नहीं पाए। खाना हम ही खा लेते हैं, माँ भी पूछे तो नहीं बोली खाएंगे, हम जा रहे हैं खाएंगे। दोनों उठ के आ गई, अब खाना खाने हम बैठे तो, हम जब तक लेटे थे दोनों लग रहा था अब सो जाएगी अब सो जाएगी, और जैसे ही उठे तो दोनों एक एक करके आ गई। वहाँ मत जाओ बेटू अंधेरा में, यहीं बैठ के खाओ, यहाँ बैठ के खाओ मामा के पास। तो खैर जग गई तो अच्छा है, ये लेट से सो जाएगी तो ठीक रहेगा। हमको सामने थोड़ा देखे हैं, सब्जी उब्जी लाने पाएंगे तो ले आएंगे। जी सिद्धि देखिए अकेले छुपम छुपाई कैसे खेल रही है, कहाँ है ढूंढो। ढूंढ ली उसको, भागो। जी बोलू, दोनों दिन भर, अभी तो 5:30 है, इन लोगों को दिए मैगी बना के, दाल सब्जी चावल भी नहीं खाई ना ढंग से, तो कुछ कुछ ऐसे ही थोड़ा थोड़ा भी, एक बार बिस्किट दिए, फिर दादी के साथ आम खाई, फिर थोड़ा मैगी खा लेगी, इसी थोड़ा 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 करके खाते रहेगी, एक बार दूध पी, फिर रात में एक बार सॉलिड दूध रोटी आम आजकल देते हैं। तो देंगे लाइट भी कटा, कूलर बंद हुआ, लो इसी तरह खिला खिला के टाइम पास कराएंगे। आज तो पापा इसके आने वाले हैं नहीं, शाम में पुन्नी आएगी तो रिद्धि जाएगी उसके साथ, सिद्धि का देखते हैं। तो मेरी सिद्धि रानी सो गई है, और रिद्धि तो चली गई पुन्नी के पास, और बहुत शाम हो गया, अंधेरा होने को है। हम भी जा रहे हैं सब्जी उबली ले आते हैं, क्योंकि सिद्धि सो रही है, माँ भी संझापति का तैयारी कर रही है, और ब्लॉग को हम एंड करते हैं, ब्लॉग अपलोड करके हम भी जाएंगे सब्जी लेने। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।